और रुख करते इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव को दोषी करार दिया गया है चारा घोटाला मामले में। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजडी निकासी मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। चार मामलों में पहले उनको सजा हो चुकी है, खराब सेहत के कारण जेल से बाहर चल रहे थे, लेकिन एक और मामले में डोरंडा ट्रेजडी मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। नहीं, अभी तो पूरी बात जानकारी में नहीं, डिसीजन आया है कोर्ट का, उन्हें गिल्टी ठहराया गया। नहीं तो ये तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये तो हम लोग को दुखी महसूस हो रहा है, महसूस हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग तो उम्मीद था कोर्ट से कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है तो हम लोग काफ़ी इसके चलते दुखी है। तो दुखी है, लेकिन इस बीच क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी झारखंड की राजनीति में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आप ये बताइए कि इस वक्त जो कोर्ट रूम से जो खबरें आ रही है कि थोड़े से परेशानी ऑब्वियस होना भी है, क्योंकि अगर आप जिस एज में लालू प्रसाद यादव चले गए हैं वहाँ पर अगर एक बार फिर से अगर जेल जाने की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर उनके उनके परिवार वाले, उनके समर्थक और उनके लोग चाहने वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात जरूर है। जाहिर है कि जिसके खिलाफ फैसला आएगा और एक लालू प्रसाद की उम्र भी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा परेशान तो होंगे, लेकिन उनके पास अभी ऑप्शन बहुत सारे हैं, खुले हुए हैं, वो जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं। अभी देखिए कि कितने दिनों की वो सज़ा है, ये सब सारी चीज़ें, ये कानूनी पहलू है उस पर। हमारे साथ एडवोकेट अशोक जी भी जुड़ चुके हैं, हम सीधे उन्हीं से समझते हैं। अशोक जी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के मामले में जब जब हियरिंग होती है, कोई बड़ा फैसला आता है, तब आप हमारे साथ रहते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने गिल्टी ठहराया है, जो धाराएं हैं उस धाराओं के बारे में बताइए, कोर्ट रूम में क्या हुआ ये सब। देखिए अभी तक तो कोर्ट बैठी नहीं है, लालू जी बैठे हुए हैं, नहीं उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है, दोषी ठहरा दिया गया है ना, लेकिन अभी सजा के बिंदु पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में निर्णय होगी, देखिए क्या होता है। लेकिन जो धाराएं लगाई गई है उन धाराओं के बारे में थोड़ा बताइए कि मिनिमम से मैक्सिमम सेंटेंस क्या होता है। मिनिमम से मैक्सिमम 3.5 साल 4 साल के अंदर सजा हो सकती है। ये थोड़ी देर के बाद क्लियर होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया, और उससे पहले जब एक एक करके कोर्ट जो है नाम पढ़ रही थी कि इन लोगों को बरी किया जा रहा है, तो एक उम्मीद की किरण जो है वहां पर राजद के समर्थकों में देखने को मिली थी कि शायद लालू प्रसाद यादव का भी नाम आएगा, लेकिन जैसे ही ये खबर कन्फर्म हुई कि लालू प्रसाद यादव दोषी ठहराए गए, उसके बाद जो है तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। थोड़े समर्थक निराश है और हम कह सकते हैं कि उदास भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे प्रदीप जी, क्योंकि ये सेंटेंस अभी नहीं सुनाया गया है लेकिन गिल्टी जरूर ठहरा दिया गया। देखिए, जो उनको दोषी पाया गया है तो निश्चित रूप से कोर्ट के समक्ष वैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होंगे जो अकाट्य होंगे, और इनके वकीलों की तरफ से भी अपनी ओर से भरसक कोशिश की हुई होगी, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने विचार उपरांत जो फैसला सुनाया है, मैं समझता हूँ कि अपराध आप कीजिए लेकिन छुप नहीं सकता है, आप बहुत ताकतवर हो सकते हैं किसी समय पर, लेकिन जब न्याय के दरवाजे पर आएंगे तो न्याय का दरवाज़ा जो होता है वो किसी की ताकत नहीं देखता ना किसी की कमजोरी देखता है, उसके सामने जो कागज़ प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर फैसले दिए जाते हैं। नहीं देखिए, अब तो फैसला आ ही गया, थोड़े देर में और भी आ जाएगा कि कितने दिनों का सज़ा होती है, तो देखिए अब इस पर माननीय कोर्ट के ऊपर क्या टिप्पणी की जाए। अब इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और जो देखने को मिल रहा है, जो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं थोड़ा सा ये हैं, परेशान हैं, तो वो लोग परेशान हैं और जाहिर स्वाभाविक है कि वो परेशान तो होंगे ही लोग, चूँकि उनके खिलाफ फैसला आया है। अब ये है कि आगे का दरवाज़ा खुला हुआ है, जा सकते हैं, हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, वहाँ पे पहले भी इनको जमानत मिली हुई है, हो सकता है इसमें भी जमानत मिले, अब देखना है आगे क्या होता है। हमारे साथ शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं, शक्ति जी ये बताइए, क्योंकि ये एक एक करके जब नाम कोर्ट के द्वारा जो जिन लोगों को बरी किया जा रहा था उस वक्त एक थोड़ा सा आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिला था कि शायद लालू जी का भी नाम आ जाए, लेकिन फिलहाल जो करंट डिसीजन जो है वो आप लोगों के फेवर में नहीं गया, लालू प्रसाद यादव को गिल्टी ठहराया गया है। डिटेल रिपोर्ट देखिए, मैं इससे फेवर डिसफेवर के नज़रिए से नहीं देखता, न्यायिक निर्णय टिप्पणी की अपेक्षा नहीं रखती है और न्यायिक निर्णय है, और इस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस मानक के अनुसार अगर आप किसी को कन्विक्शन के दायरे में लाते हैं तो आने वाले कल में 26 वर्ष इस केस की अवधि हो चुकी है, आने वाले कल में यह एक विषय कहीं ना कहीं रिसर्च का बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 क्या कहता है, क्या देश के अंदर में और लोगों पर अप्लाई करता, कोई चीफ मिनिस्टर
सब्जी वाले पोलोथीन में कोई पैसा देने के लिए आता हो, वो फट जाता हो, कोई व्यक्ति दिखता है, सीआरपीसी कहता है किसी कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगता है लगाता है तो उसके अप्रूवल के लिए एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जिन विषयों में जिसलिए ही जमानत मिल जाएगा, अगर अधिक होती है तो फिर लालू यादव को डोरंडा जेल जाना पड़ेगा और ये होटवार जेल जाना पड़ेगा, क्षमा चाहेंगे, और होटवार जेल के बाद है उन्हें कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट जो है उसका दरवाजा खटखटाना होगा। तो अभी तत्काल तस्वीर साफ दिख रही है कि लालू यादव के जो राबड़ी देवी का आवास है वहां पर पूरी तरह से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और जो मीडिया का जो हुजूम है वो यहां पर जो है वो खड़ा है। और आप देखिए तस्वीरों में कि जो यहाँ लालू यादव के शुभचिंतक हैं वो तमाम जो लोग हैं अब उनका जो है आने का जो है सिलसिला है वो शुरू हो गया है। साफ तौर पर पहले से ही एक वकील जो है अधिवक्ता है उनको जो है अंदर बुला कर रखा गया है कि फैसला आता है तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या की जाएगी। तो वकील जो है अभी की तत्काल की बात करें तो अभी दो तीन वकील जो है अधिवक्ता जो है वो अंदर बैठे हुए हैं और आगे का जो है फैसले का जो इंतजार कर रहे हैं कि कितने दिनों की जो है सजा होने वाली है। जेम प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।